हाँ, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, शुरू से खराब है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफदर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब कमीशन कहते हैं कि आते हैं बनी है, वो कमीशन बेशक, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और खुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें, और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए, और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।